अच्छा एक काम करो, न्यू प्रोजेक्ट कर लो। देखो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है और हमारे पास होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसी तरह हमारे पास होती है एक लेवल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपके सेशन नंबर 5 के अंदर है, ठीक है, चाहे तो आप बुक खोल के देख सकते हैं। तो मैं पहले आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट बता रही हूँ। लेट सपोज मुझे 1 से लेके 30 तक की सीरीज प्रिंट करानी है, क्या करानी है, 30 तक की सीरीज जो है वो मैंने प्रिंट करानी है। स्टार्ट मुझे करना है 1 से। अच्छा तो एस आउट मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, और यहाँ पर अब जो मुझे प्रिंट कराना है वो मेरे पास आई है, सही है ये वाला, हो गई मेरे पास 1 से लेके 30। मैं वो नंबर इसके अंदर से स्किप कराना चाहती हूँ जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या है, 2, 3 या जो भी मुझे यहाँ पे लगता है मैं करवाना चाहती हूँ। सिर्फ वो नंबर स्किपिंग करानी है, लूप ब्रेक करने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगी कि मेरे पास आई, ठीक है, उसका जो मॉड है कब, जब वो 4 से डिवाइड हो और एग्जैक्टली उसका आंसर क्या है, 0। तो मेरे पास जो मेरी स्टेटमेंट है वो किस मोड पे चली जाए, कंटिन्यू, एक मिनट, सही है इस तरह। एंड नाउ इसको मैंने रन किया, ठीक है। तो मेरे पास वो नंबर्स इसमें से स्किप हो चुके हैं जो कि 4 के टेबल में आते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, सही है। तो वो सीरीज में से निकल चुके हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। इसके साथ मैं एक कंडीशन और लगाती हूँ और की, मैंने कहा वो नंबर भी इसमें से स्किप कर दो जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 हो, ठीक है। क्या होनी चाहिए, ये भी 4 वाला भी स्किप कराना है, 6 वाला भी स्किप कराना है, ठीक है, हो गया स्किपिंग 6। अगर आप 6 की जगह मैं 3 भी रखूं, ठीक है, अगर मैंने लिखा कि 4 और 3 बोथ, तो भी आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास सीरीज में से वो भी निकल गए जो 4 से डिविजिबल होते हैं, वो भी निकल गए जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ये बात समझ में आ गई, कंटिन्यू से मेरा लूप ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ स्किप हुई है। चीज क्या चीज स्किप हुई है, जब कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाता है या 3 हो जाता है तो आपका लूप कंटिन्यू का मतलब है वापस ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, वो नीचे का रीड नहीं करना, समझ गए। इसी तरीके से यहां मैंने ये कहा कि लेट सपोज मेरे पास 1 से लेके 30 तक की सीरीज है, ठीक है, और यहां पर मैं ये कह रही हूं कि अगर एंड मैंने यहां क्या लगाया, एंड लगाया, वो नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 भी हो और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 भी, ऐसा कोई ऐसा नंबर है जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहा और 4 से डिवाइड हो, अगर ऐसी कोई सीरीज है तो ब्रेक कर दो, क्या कर दो, मेरा लूप ब्रेक कर दो। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास ऐसे कोई नंबर मौजूद होते हैं या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लूप को ब्रेक करवाया, जैसे ही मैं 12 पे आई, सीरीज में चल रहा है ना ये, जैसे ही मैं 12 पे आई, 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3 बोथ, ठीक है, बोथ है ना, मैं लूप से ही बाहर आ चुकी क्योंकि मैंने यहां क्या लगाया, ब्रेक, कंटिन्यू नहीं लगाया, कंटिन्यू लगा दी तो 12 ब्रेक हो जाता, बाकी चल रहा होता, फिर वो कोई नंबर देख रहा होता। तो अभी जो मैंने यहां पे लगाया है वो ये लगाया है कि मैं लूप से ही एग्जिट कर जाऊं, तो देन ब्रेक एंड देन कंटिन्यू, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन है ब्रेक कंटिन्यू में। ब्रेक से ये होता है कि आप लूप से बाहर आ जाते हैं, कंटिन्यू से ये होता है कि आप लूप से बाहर नहीं आते, सिर्फ
ऊपर से दोबारा से काउंटर इंक्रीमेंट होके दोबारा वो चलने लगता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके साथ इन्होंने आपको ये कहा था कि आप इसके साथ लेबल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। लेबल स्टेटमेंट का मतलब ये कि कंटिन्यू या ब्रेक आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो, यानी मैंने ए लगा दिया और इसके साथ मैंने ये लगा दिया कंटिन्यू ए, समझ में आई बात, ये लेबल स्टेटमेंट हो जाती है, समझ गए, कुछ नहीं एक ही तरह चल रहा होता है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ बी कॉलन लगा दी, बस वो एक लेबल हो गया, ब्रेक भी चलेगा वैसे ही, आपकी एग्जीक्यूशन के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। आपकी बुक के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई आप लेबल स्टेटमेंट ये होता है, कंटिन्यू और ब्रेक के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। और जावा अब अननेसेसरी जो है वो कहता है कि इसको हटा दो, अब इसको जरूरत नहीं है, ये डेप्लीकेट हो चुका है, ठीक है, अब नए वाले में, ठीक है, वो मतलब अब इस चीज को कंसीडर नहीं करता, कहता है कि कोई फायदा नहीं है इसको लगाने का या ना लगाने का, ठीक है, तो वो आपको खुद ही यहाँ हिंट दे देगा कि भाई इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये वैसे ही चल रहा है, वैसे भी वैसे ही चल रहा है, तो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी चीज को देखो, मैंने कॉपी करा है, कॉपी कर इधर ही मैं नीचे ना वो लेबल वाला भी लिख दे रही हूँ ताकि तुम्हारे पास मौजूद रहे, ठीक है ना। क्या था यहाँ पे, ए कॉलन और यहाँ, ठीक है, एक पर लगा दिया ये ब्रेक पे और इसी तरीके से आप कंटिन्यू पे और इसी तरह आप ब्रेक पे भी लगा सकते हो, ए बी सी कुछ भी लिख लो, कॉलन ब्रेक ए बी सी, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में लेबल गो टू स्टेटमेंट के साथ आती है, ये कंटिन्यू ब्रेक में ये सी में ही आती है, सही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये एक तो हो गया हमारे पास, दूसरे उस पर आ जाओ, मेरे न्यू प्रोजेक्ट किया है जावा एप्लीकेशन 5, इसमें कुछ है नहीं करने का, बस सिर्फ लॉजिक है जो टेस्ट कर ले रहा। ये करने के बाद मुझे यहां पर काम करना है, ठीक है, ये मेरी मेन क्लास है, जहां ये मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है मेन क्लास का, जहां मेरे पास ये पैकेज आ रही है वाला, इससे ऊपर ना ये ना ये, ठीक है, ये दो छोड़कर इसके ऊपर वाला ये वाला, इस पर राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगी, न्यू जावा क्लास लूंगी, ठीक है। इधर मैंने क्लास ली है एम्प्लॉय की, किसकी ली है, एम्प्लॉय की क्लास ली, इसे मैंने फ्लैश करा, ठीक है। यहां आने के बाद इधर मैंने कहा मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, इंटीजर, ठीक है, मैंने कहा ई एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, ठीक है, और इसी के नीचे मैंने यहां लगाया स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और एम्प्लॉय की ईमेल हो गई, देन एम्प्लॉय की फिलहाल मैंने यहाँ ग्रेड लिखा है, ठीक है, और सैलरी जो है वो मेरे पास अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में, और अगर आपके पास न्यूमेरिक उसमें है तो आप न्यूमेरिक में मिल सकते, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उसको पॉइंट वैल्यूज में रखें, ठीक है, क्योंकि सैलरी है तो राउंड ऑफ ही होगी, ठीक है, पॉइंट वॉइंट नहीं दे रही, तो मैं यहाँ पे इसको सैलरी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, इंटीजर के साथ ही मैंने लिख दिया। मेरे पास ये फील्ड आ गई, गेट एंड सेट पता है ना एमवीसी में, ठीक है ना, गेट एंड सेट जो बनता है इसमें, जाहिर सी बात है अब मुझे अगर बनाना है तो देखो मैं खुद भी बना सकती हूँ, खुद भी बना सकती हैं हम, यहाँ पे देख लो पहले, सही है। तो यहां पर आपने राइट क्लिक करना है
ठीक है, और यहाँ आपके पास आ रहा होगा इंसर्ट कोड, आ रहा ही लिखा हुआ। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक करा, मुझसे अब ये पूछेगा क्या करना है। मैंने कहा गेटर एंड सेटर बोथ चाहिए। क्या चाहिए? गेटर एंड सेटर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो ये आपसे पूछेगा कि पूरी क्लास का बनाना है सिर्फ लिमिटेड का बनाना है। मैंने कहा पूरी क्लास का बनाना है, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही इसको मैंने सिलेक्ट करा और जनरेट किया, मेरे पास ये ऑटो कोड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पहले तो हम ये खुद बनाते थे ना, खुद ही लिखते थे गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। ठीक है, इस तरह। अगर आपको इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है बेटा, क्या बनाना है? कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमारे पास यही होता है, इंसर्ट कोड, कंस्ट्रक्टर, और इन सबको आपने चेक लगाया कि कंस्ट्रक्टर में हम ये पैरामीटर करेंगे और इसको हम जनरेट कर देते हैं, ये रहा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, यानी आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यू सेट करा सकते हो, बाकी के थ्रू आप गेट करा सकते हैं। तो मैंने तो गेटर और सेटर ले लिया, तो मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। सही है, रहने देती हूँ, मैं कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे इसको कोर्स से कोई वो काम नहीं है। ये बात समझ में आ गई? बिना इसको लिखे गेट एंड सेट का ऑप्शन नहीं आएगा, ये मैं बता दूं। इसको लिखोगे, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट कोड पे जाओगे तो ये चीजें आएंगी। ठीक है, एड प्रॉपर्टी पे आते हैं तो प्रॉपर्टी में वही होता है कि टाइप और ये वो सारी चीजें आप प्रॉपर्टी ऐड कर लो गेट एंड सेट की। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां मैं दिखा देती हूँ आपको और क्या क्या चीजें। इंसर्ट कोड है, जिसे मैं टू स्ट्रिंग का करूंगी तो इन सबका ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट वाला कोड आ जाएगा। दिखा दो ये वाला, सैलरी इक्वल्स टू रिटर्न करेगा ये एम्प्लॉय, वैल्यू रिटर्न करेगा। जब मैं टू स्ट्रिंग करूंगी तो ये जो है वो रिकॉर्ड मुझे इस तरह डिस्प्ले में करके कर्ली ब्रैकेट में देगा। समझ में आ रही है बात? कर लो अगर टू स्ट्रिंग का तुम्हें चाहिए। सही है, समझ में आई बात? ये ओवरराइट मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि टू स्ट्रिंग ऑलरेडी बना हुआ होता है, किसी भी चीज को कन्वर्ट करना होता है तो टू स्ट्रिंग हम करते हैं, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। तो जब हम यहां दोबारा उसी नाम से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ओवरराइट मेथड कहलाएगा मेरे पास। इसी तरीके से आप इंसर्ट कोड पे आ जाओ, यहां पर मेरे पास लॉगर इक्वल एंड हैश कोड मुझे नहीं चाहिए, डेलीगेट मेथड अगर चाहिए तो आप डेलीगेट मेथड भी बना सकते हो, लेकिन हमें यहां पे जरूरत नहीं है डेलीगेट की। डेलीगेट्स के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आ रही होती। ठीक है, अगर बनाना है तो इनमें से लेके कुछ भी बना सकते, लेकिन मुझे नहीं बनाना। सही है, तो जिस नौयत का काम होता है आपने वही काम करना है। अच्छा, ये जो ओवर राइट मैथड है मैं इसे कट करके नीचे यहाँ पे पेस्ट करूं इधर। सही है, समझ में आ गई बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? इसको बना लो पहले, फिर आगे बताऊंगी। इसको करने के बाद मैं अपनी वापस मेन वाले फंक्शन पे आ रही हूं। मेन वाले फंक्शन के ऊपर देखो, सबसे पहले मैंने स्कैनर बनाना है। ठीक है, सिस्टम सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके बाद आपने लेना है एरे लिस्ट। क्या लेना है? एरे लिस्ट। इसको भी आपने इंपोर्ट कराना है। ठीक है, और इसमें भी मैंने नाम रखा है ई एम पी लिस्ट। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है? एम्प्लॉय लिस्ट। ये रहा मेरे पास इस तरह। ठीक है, और इसी तरह मैंने एक और लेनी है क्लास एम्प्लॉय की और ई एम पी डेटा, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो, न्यू, जो भी आपकी क्लास का नाम है, आपके क्लास का नाम न्यू क्लास है, जो भी है। सही है, ये आपने इस तरीके से ये तीन चीजें इनिशियलाइज करानी है, इनकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर मैंने वैल्यू सेट करानी है एम्प्लॉयज की। मुझे कोई डेटा टाइप तो यहां लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने गेटर एंड सेटर के अंदर रखा हुआ है। अब सिंगल आपने कराना है या मल्टीपल कराना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। सही है, तो सबसे पहले मैं सिंगल बता रही हूँ, फिर मैं आपको मल्टीपल बता दूंगी। ठीक है, मैंने यहां पे
आउट के अंदर लिखा, प्रिंट में लिख रही हूं मैं, एलन में नहीं लिख रही, ठीक है। एंटर एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और ये मेरे पास जाएगा एम्प्लॉय डेटा डॉट ई एम पी आई डी के अंदर, सही है, और डॉट इंटीजर है तो नेक्स्ट सही है। ये तो समझ में आएंगे ना, ये वैल्यूज क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है एम्प्लॉय नेम, यहां पे आ जाएगा ई एम पी नेम, और नेम है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय ईमेल और उसका ग्रेड एंड देन सैलरी है, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ आईडी और नेम लिखा है, बाकी चीजें मैं नहीं लिख रही अभी, ठीक है। एक वो ले लेती हूँ मैं, एक ईमेल और ले लेती हूँ, बाकी बाद में, बाकी इसी तरीके से होंगी आपकी, सैलरी जो होगा वहां पे भी वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ मैंने रखा है ईमेल, ठीक है, इस तरह। सही है, बाकी के जितने भी इनपुट है वो इसी पैटर्न में आपने इन वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे नीचे लेने हैं। जो इंटीजर है उसके साथ नेक्स्ट इंटीजर रहेगा, अदरवाइज के साथ नेक्स्ट और नेक्स्ट आएगा। यहाँ तो समझ में आ गई बात। इसके बाद इसको हम लिस्ट में प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको लिस्ट में प्रिंट नहीं करा रही, मतलब लिस्ट के अंदर अभी मैं एड नहीं करवा रही, ठीक है, क्योंकि अभी सिंगल सेट किया है तो मैं सिंगल इसको क्या कर सकती हूँ, गेट भी कर सकती हूँ। तो मैं यहां सिर्फ एस आउट के अंदर इस तरह मैं करके, अब इसको मैं अगर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ तो मैं एम्प्लॉय ई एम पी डेटा डॉट टू स्ट्रिंग आ रहा होगा, यहां आ रहा है, अच्छा रिटर्न में ये क्या रिटर्न कर रहा है मेरे पास, ये टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं इसको लिखूंगी तो मैं किसी ऐसा आउट में लिख दूं, ठीक है ना, उससे क्या होगा कि ये प्रिंट भी हो जाएगा मेरे पास, समझ में आ गई बात। अब आए हम यहां पर, मैंने इसको चलाया, मैंने कहा 101, ठीक है, एट द रेट जीमेल डॉट कॉम आ रहा है, यहाँ पे जो नहीं डाला रहा वो 000 आ रहा है, नल आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है, समझ में आई बात। ग्रेट नहीं दिया था मैंने, सैलरी मैंने नहीं दी थी, तो मेरे पास ये इस तरीके से आ रही है, डिस्प्ले का ऐसा आ रहा है, डिस्प्ले अगर आप चेंज करना चाहो जैसा रखोगे वो वैसा आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग के मेथड से प्रिंट नहीं करवाना चाहती, टू स्ट्रिंग के मेथड से अगर मैं प्रिंट नहीं करवाना चाहती तो मैं यहां एस आउट लिख कर ये लिख सकती हूं एम्प्लॉय आईडी कॉलन और यहां प्लस करके ईएमपी डेटा डॉट ईएमपी आईडी, प्रिंट हो जाएगा, दिखा देती हूँ, ठीक है। आ रहे नीचे एम्प्लॉय आईडी लिख के इस तरीके से, या वैसे डिस्प्ले करा लो, यानी बारी बारी सबको इस तरह डिस्प्ले करा लो। यहाँ इक्वल्स टू के बाद वैल्यू पास कर रही हूँ सेट हो रहा है, यहाँ सिर्फ लिख रही हूँ तो ये गेट हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह करोगे टू स्ट्रिंग का तो वो एक ही लाइन में सारा दे देगा, और वैसे अगर आप ये वाला यूज करोगे तो क्या करेगा, वो सिंगल सिंगल हमें प्रिंट आउट करके देगा। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय डेटा की वैल्यू को सेट करा है और गेट करा है, मैंने एरे लिस्ट अभी इस्तेमाल नहीं करी है, सही है, समझ में आ रही है बात। एरे लिस्ट
इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास एम्प्लॉय एक से ज्यादा होंगे। समझ में आई बात? तो पहले ये कर लो, फिर इसी में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो एरे लिस्ट पे भी काम हो जाएगा। यहां पर अभी जो मैंने काम किया वो सिर्फ मैंने सिंगल एलिमेंट के लिए काम किया था, ठीक है। यहां मैं ऊपर जहां ये एम्प्लॉय वगैरह मेरा लिखा हुआ है, इधर मैंने एक इंटीजर NUM लिया है, नंबर, ठीक है। क्या लिया है? इंटीजर नंबर। और एस आउट के अंदर मैं यहां पे पूछ रही हूं हाउ मैनी एम्प्लॉय डू यू वॉन्ट टू एड, ठीक है, इस तरह, ठीक है। और मतलब जो भी है वो यहां पर इस तरह करने के बाद कॉलम के बाद मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो मेरे पास नम के अंदर जाएगा sc.max integer, ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद मैंने बेटा यहां पे लगाना है फॉर का लूप, ठीक है। फॉर का लूप मैंने यहां से लगाना है और ये चलेगा कहां तक? जितने भी नंबर की वैल्यू सेट हुई हुई, ठीक है। जो भी मेरा डाटा है ये वाला, जितना भी इंसर्ट वाला काम है वो किसके अंदर चला गया? इसके अंदर चला गया, फॉर के लूप में चला गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, फॉर के लूप में जाने के बाद मैंने एक काम ये करना है, इसी लूप के अंदर ही जब आपने ये ले लिया तो मेरे पास जो एरे लिस्ट है यानी एम्प्लॉय लिस्ट आ रहा है नजर, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर मैंने ऐड क्या कराना है? एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। मैंने क्या करा, एक एक रिकॉर्ड लेते जाओ और एरे लिस्ट के अंदर ऐड करते जाओ, ठीक है। ऐड होने के बाद अब इसका डिस्प्ले की बारी आती है। किसकी डिस्प्ले की बारी आ रही है? इसकी। अच्छा, अभी मैं डिस्प्ले नहीं करा रही, मैं अभी सिर्फ मैंने ये वाला मेथड यूज करा हुआ और ये यूज करा हुआ। नाउ लेट्स सी ये क्या आता है, ठीक है। कितने कराने हैं? मैंने कहा मुझे टू कराने, सही है, तो दो दफा मेरे पास आना चाहिए ये, ठीक है, इस तरह। दोबारा आया, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी किसकी आ रही है? दूसरे वाले की आ रही, ठीक है, ओवरलैप हुई हुई है। मुझे दोनों रिकॉर्ड देखने, क्या करने हैं मुझे? दोनों रिकॉर्ड देखने हैं। अब दोनों रिकॉर्ड अगर मुझे देखना है तो मैं इन टू लाइंस को यहां पे क्या कर रही हूं? कमिट कर रही हूं, सही है। अब मेरे पास सिंगल वाला वर्क नहीं है भाई, अगर फॉर का है तो फॉर ईच यूज होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर ईच नहीं होता। फॉर ईच भी किस उसमें देखा जाता है? आपके फॉर के अंदर ही लिखा जाता है। अच्छा, मैं जो डिस्प्ले करा रही हूँ, सबसे पहली बात यह है कि मेरा जो लूप मौजूद है, ठीक है, और मेरा जो डेटा मौजूद है वो किस में मौजूद है पहले तो ये बताओ भाई। फॉर ईच में ये होता है ना, डेटा टाइप लिखते हैं स्ट्रिंग जो है या इंटीजर कोई अगर एक वैल्यू है, लेकिन ये तो पूरी क्लास है। क्या है? मेरे पास पूरी क्लास है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो डेटा टाइप भी होगी वो मेरी क्या होगी? पूरी क्लास ही होगी। समझ में आई बात? मैंने कहा एम्प्लॉय ई रख रही हूं उसका नाम, ठीक है, या ई एम पी लिख लो, ठीक है, और कॉलन लगाकर मेरे पास जो भी मेरी लिस्ट का नाम है वो क्या है? मेरे पास ई एम पी लिस्ट है, सही है। मेरे पास क्या है? ई एम पी लिस्ट है, ठीक है। वो कह रहा है इसको आप ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। वो एक हिंट दे देता है आपको, वार्निंग टाइप की दे देता है कि आप इसको पर्टिकुलर वो ना दो, आप इसको वो दे दो, ठीक है, ठीक है। यहां मैंने एस आउट लिखा और दिखाती हूं मैं आपको। अब मैं यहां लिखूंगी ई एम पी डॉट, तो मुझे यहां पर क्या करना है? चीजों को अच्छा पिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास जो भी ई एम पी है
उसको मुझे डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, ई एम पी के बाद अगर मैं देखो यहाँ पे लिखती हूँ ई एम पी डॉट, तो यहाँ पर मेरे पास कोई इस तरह का मेथड नहीं आता कि जो मुझे यहाँ पर क्या करे, मेरी चीजों को डिस्प्ले करे। आ रहे हैं यहाँ पे? आ रहे? कहाँ आ रहे? दिखाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर इधर देखो एम्प्लॉय लिखती हूँ और अब मैं इसको ई एम पी डॉट करती हूँ तो मेरे पास आएगा। अब समझ में आ रही है बात? तो वो वहां मुझे वार्निंग तो देगा, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे चीजें जो उठानी है तो मैं वहां उसी तरह उठाऊंगी। मैंने यहाँ पे फिलहाल इसको इस तरीके से करके छोड़ दिया। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि आप आइटरेटर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कि आइटरेटर यूं करके भी इसको यूज क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उधर वही लेगा एक मिनट। और हमारे पास है सर, ठीक है, इस तरह दे सकते हैं। इसने खुद ही कन्वर्ट करके बताया कि फॉरिच तो चलता नहीं है, आप इसको, वो भी प्रोसेस सही है, लेकिन आप इसके अंदर इनिशियलाइजेशन करें आइटरेटर आई टी इट, ये किसके बराबर है, एम्प्लॉय लिस्ट का जो भी मेरे पास आइटरेटर है। ठीक है, और उसके साथ मैंने कहा इसके साथ हैज अ नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है, वो एम्प्लॉय के उससे ही मुझे गेट करनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे अलग अलग प्रिंट कराना है ना, इसलिए इसी तरह मैं यहाँ पे एस आउट लिखूंगी और यहां पर लिखूंगी ई एम पी डॉट एम्प्लॉय नेम। फिलहाल मैंने अभी फिलहाल यही करके दिखाना। नाउ मैंने इसको रन किया, मैंने कहा मेरे पास फिलहाल दो डाटा है, 101, ठीक है, ए और ए एट द रेट gmail.com, 102 मेरे पास डाटा बी, ठीक है, और बी एट द रेट gmail.com। ठीक है, आ रहे हैं मेरे पास? ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप देखो मेरे पास दोनों एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, आ तो दो दफा है लेकिन आ दोनों। हाँ, अब इसका मसला ये है कि जब मैं इसको फॉर के अंदर इनिशियलाइज करूंगी, बात समझ रहे, तो क्या करेगा ये कि आप फॉर के अंदर जब मैं इसको इनिशियलाइज कर रही हूं तो इसने क्या करा, नया बना दिया, जो लास्ट वैल्यू थी वही आपके पास यहां आ रही है। अब मैं अगर इसको यहां से क्या कर दूं, हटा दूं, हटा दिया मैंने, इसको भी मैंने यहां से हटाया, इसको भी मैंने यहां से हटाया। अब मैं आई टी डॉट लिखती हूं, ठीक है, और मेरे पास यहां पर लेट सपोज स्ट्रिंग है या जो भी है मेरे पास, ठीक है, या मैं सिंपल ये भी लिखती हूं कि मेरे पास यहां पे क्या चीज है आइटरेटर में, ठीक है, हैज नेक्स्ट है ना। फिलहाल इसको चलाते हैं, तो मैं आपको हर तरीके से चला के दिखा रही हूं कि अगर आप इस तरह चला लोगे तो आपके पास क्या चीजें आएंगी। ठीक है, टू बी देन बी, अब ये देखो, अब ये एक अनकंडीशनल उसमें चला गया, चला गया ना, क्योंकि ये मेरे पास इस तरीके से प्रिंट नहीं हो सकता, समझ रहे हो? इसको फिर मुझे यहां से स्टॉप करना होता है, ठीक है, ये स्थिर स्टॉप है। इसको यहां से मैं फिलहाल नहीं हटा रही, ये जो आ रहा है इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, मैंने क्या करा है कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा बाहर बना हुआ था ना, यहां पर ऊपर बना हुआ था, मैंने क्या करा, इनपुट लेते वक्त मैंने इस वाले को क्या करा है, अंदर बना लिया। यानी एवरी टाइम ये नया क्रिएट होना चाहिए और मेरा नया इंसर्ट होना चाहिए लिस्ट के अंदर, लिस्ट मेरी बाहर आएगी लेकिन ये एम्प्लॉय वाला अंदर रखा है मैंने। अगर मैं इसको रखती हूँ, नाउ लेट सी द आउटपुट के मेरे पास क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये पुराने वाले पे ओवरराइट कर देता है, ठीक है ना, तो मैं इसको दोबारा से नए सिरे से बनाना चाहती हूँ, तो हर एम्प्लॉय का अलग बनाना है, इसलिए मैंने उसको किसके अंदर रख दिया, फॉर के लूप के अंदर रख दिया। ठीक है, वन जीरो टू, ठीक है, आ रहे, आ
एलियर सेना का सेपरेटली आ रहा, सही है। नीचे जो उसने हिंट दिया था, जाहिर सी बात है ये इसका खुद का ऑटो कोट है तो ये इतना रॉन्ग नहीं होता। तो हमारे पास क्या है कि मेरे पास ये जब ऊपर था तो मेरे पास जो लास्ट एम्प्लॉय एड हो रहा था लिस्ट के अंदर वही मेरे दोनों पे हो जा रहा था एम्प्लॉय में। तो मैंने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट अंदर ही बना लिया सिर्फ एम्प्लॉय डाटा का, क्योंकि यही बनेगा यही एड हो जाएगा, फिर ये दोबारा बनेगा फिर ये एड हो जाएगा। तो इस तरह नई नई वैल्यू मेरे पास लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। अब प्रिंट करने के लिए बेटा अगर आपको यहां पर कुछ रखना है इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी, तो आप इस तरह रख सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इस तरह तो इसका डिस्प्ले वैसे ही आएगा। अच्छा, मैं अब ये कहना चाहती हूं हर इंसर्ट के बाद एस आउट जो मेरा होता है वहां थोड़ा सा स्टैरिक करके आए, ताकि जब मैं दूसरा इनपुट दे रही हूं थोड़ा गैप आना चाहिए। तो इसी तरीके से यही चीज क्या होनी चाहिए, जब आप कोई चीज प्रिंट करा रहे हो तो वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आनी चाहिए, किसमें आनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आनी चाहिए। ठीक है, स्टैरिक हम थोड़े से ज्यादा कर देते हैं, स्टैरिक ना लगाओ, काम करती हूँ मैं यहाँ पे लगा देती हूँ डैश, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, सही है। इस तरह नाउ लेट्स सी द आउटपुट हमारे पास क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है टू एंटर आईडी 101, ठीक है, गैप आया एक, ठीक है, सही है। इस तरीके से समझ गया, मेरे पास अब ये लाइन आ गई, सही है, ये वाली हटा दो जो कि ये वाली है एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये यहां से हटा दो, सही है। ये अब समझ में आ गया किस तरीके से मैंने इसको आइट्रेट करा और किस तरीके से मैंने इसको लूप के अंदर डाल दिया, सही है।